हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा था, जो एफ लेवल का डंजन मॉस्टर था वो अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर लेता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है पहले से बहुत ज़्यादा। फिर इस एपिसोड नंबर 7 में हम शुरू करते हैं। फिर दिखाया जाता है जो हमारा हीरो रहता है, बहुत डिफिकल्टी उसे सब डिफिकल्टी होती है जो मॉन्स्टर की पावर बढ़ने की वजह से। फिर हमारा हीरो कहता है कि अगर मुझे जिसने ये गंदा सा गेम को डिजाइन किया, अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसे मार कर हेल में भेज दूंगा। फिर दिखाते हैं जो मॉन्स्टर होता है हमारे हीरो पर अटैक कर देता है, और उसका अटैकिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा पहले से चेंज हुआ हो गया होता है, और वो पहले से ज़्यादा खतरनाक भी हो जाता है। देखते हैं कि वो अपने टेल से उस पर हमारे हीरो पर अटैक करता है। फिर जो हमारा हीरो है कहता है कि इसकी पहले से अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं हार जाऊँगा। जो हमारा हीरो रहता है वो सोचता है कि जो हम मेरा एक्सपीरियंस है इससे लड़ते हुए हुआ है, मैंने इसके पैटर्न को अटैक के ढाल सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, पर पहले से ये अटैकिंग पावर इसका पूरा डिफरेंट हो चुका है। फिर देखते हैं कि मोशन वहाँ से घूम जाता है और सेनाओं की तरफ देखने लगता है और उसको मारने के लिए चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि सेनाओं ये देख कर थोड़ी घबरा जाती है, कहते हैं कि क्या मैं इतना स्टूपिड हूँ जो एफ लेवल जनरेट है उसको बिना कोई प्रिपरेशन के आ गए यहाँ पे हराने के लिए। ये तो आज मेरा आखिरी दिन लग रहा है कि आज मैं मर जाऊँगी। ये कहकर वो अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि एक तलवार के से खून दिखाई पड़ता है। फिर वो अपनी आँखें खोलती है तो देखते हैं कि हमारा हीरो उसके बीच में आ गया रहता है, जिससे उसे बचा लेता है, और देखते हैं कि वो तलवार उसके शरीर के आर पार चली गई होती है। फिर वो कहती है कि हमारा हीरो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी लड़की मेरे सामने मरे। फिर लड़की इनाव कहती है, उसका नाम बोलती है। फिर देखते हैं कि जो हमारा हीरो है उसका हार्ट बीट धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है। फिर दिखाते हैं जो उसका स्वॉर्ड है वो अपने अपने आप ही पावर मोड को एक्टिवेट कर लेता है। फिर हमारे हीरो कहता है कि मैंने सोचा ही था कि ये ऐसा ही करेगा। फिर दिखाते हैं कि उसका हार्ट बीट बहुत तेज़ी से हार्ट बीट करने लगता है। फिर दिखाते हैं कि हमारा हीरो जोर से चिल्लाता है, देखते हैं उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक गिरता है। फिर देखते हैं जो शरीर उसके पीछे में शरीर में घुसा रहता है उसको टूट जाता है अपने आप। फिर देखते हैं जो हमारे शरीर हीरो के शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ता ही जाता है। फिर दिखाते हैं कि जो 28 पर ओवरलोड होता है, फिर प्रोसेसिंग इसे चलती रहती है, फिर 85 पर चला जाता है, ऐसे करते करते 100 पर हो जाता है। देखते हैं कि हमारा हीरो उसका पावर इंक्रीज हो जाता है। ये देख कर जो यूनाव शॉक हो जाती है। फिर देखते हैं जो हमारा हीरो है उसका पावर ओवर पावर लेवल 120% हो गया था। उसकी चारों तरफ एनर्जी घूम रही होती है, उसकी आँखों से फिर रोशनी निकल रही थी। ये देखकर जो एफ का मोस्टर है अपने मुंह से अटैक करता है उस पर, हमारा हीरो ये देखकर उस पर गुस्सा करता है, और फिर अपने शॉर्ट को लेकर उसको उसके अटैक को रोकता है और एक स्लैश करता है। देखते हैं उसकी स्लैश से पूरी चारों तरफ रोशनी चली जाती है, और देखते हैं कि उसका एनर्जी जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, तेज़ से रोशनी जाती है उसको अटैक कर रोक पर और मॉन्स्टर को मार डालती है। फिर देखते हैं कि जो जो लेजेंडरी ब्लेड होता है 9999 हो जाता है। फिर हिनाओ कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर देखते हैं जो अटैक हमारे हीरो ने किया है पूरा बैडेस हो जाता है, पूरा तो माहौल टाइप हो जाता है, सब चारों तरफ अदर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फिर जो सिस्टम है वो बताता है कि जो तुम्हारा एफ लेवल का टेंशन उसे क्लियर की वजह से जो तुम्हें रिवॉर्ड मिला है वो तुम्हारे टीममेट को टीम कैप्टन को दे दिया गया है। जब तुम अपने रिवॉर्ड को ले लोगे तो ये टेंशन अपने आप ही बंद हो जाएगी। फिर देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है धीरे वो बेहोश हो जाता है। फिर रात का समय दिखाया जाता है एक बिल्डिंग का। फिर हमारे हीरो को होश आता है। फिर देखते हैं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड उसे जगा रही होती है और ये सपना देख रहा होता है। ये कहकर अपने हमारा हीरो अपने गर्लफ्रेंड को समझ कर इनाव को गले लगा लेता है। ये देख कर इनाव कहती कि तुम बास्टर, ये कहकर उसको एक लात मार देती है और कहती कि तुम मर जाओ। फिर इनाव कहती कि तुम कितने परवर्ड हो, तुम मुझे मुझे लग रहा था कि तुम्हें डजन में ही छोड़ देना चाहिए था मरने के लिए। फिर हमारे कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा ब्लाइंड अंधा हो गया था, मैंने तुम्हें नहीं देखा। और कहते हैं क्या, हाँ मैं जिंदा हूँ या मैं मरने वाला था। फिर ये कहकर वो अपने मोबाइल को लेकर देखने लगता है अपने ड्यूरिंग बैट को। फिर दिखाते हैं कि उसका लेवल 3 हो गया होता है, एक नया स्किल अवेलेबल होता है जिसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो जो
स्पेस एनर्जी सोर्स होता है जॉब करने का, वो उसका ट्रांसफॉर्म करके एक नई पावर में चेंज कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि जो हमारा ये सोचता है कि जो हमारे मेरे प्लेट का स्किल है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से मुझे नए एक स्किल मिल गई है और मेरा स्किल भी अपग्रेड। ये होटल है और सेविंग की चिंता मत करो, जो तुम्हारा पूरा एमएनए दे दिया है, जो डंजन क्लियर करने में 300 पॉइंट मिला था और एक कुकड़ा एलिमेंट क्रिस्टल मिला था उसको मैंने यूज कर लिया है 300 पॉइंट को तुम्हारे सेविंग के लिए खर्च के लिए, और एक क्रिस्टल जो मिला था कुकड़ाल का उस मैंने ले लिया है। ऐसे कोई तुम्हें शिकायत है तो हमारे कहता है कि नहीं कोई शिकायत नहीं है। फिर पूछता है कि मेरे कपड़े कहाँ गए, फिर मीनाव कहती है कि मुझे मैंने ये नहीं किया और मुझे हमें क्या लगता है तुम्हें मैंने किया ये, फिर बताती है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा घायल होने की वजह से मैंने तुम्हारे सारे कपड़े उतार दिए। फिर पूछता है हीरो कि हमारे तो मेरे कपड़े कहाँ हैं, फिर हिना बताती है कि वो खून से सने हुए थे इसलिए मैंने उसे डंजन में ही छोड़ दिया। फिर हिना कहती है कि क्यों नहीं तो कुछ पैसे पॉइंट खर्च करके अपना कपड़े ले लेते हो। फिर हमारा हीरो दिखाता है कि ये ले लेता है पॉइंट खर्च करके, फिर पूछता है कि क्या मैं क्या एक्चुअली यहाँ 5 दिन से यहाँ था, तो फिर हिना कहती है कि हाँ तुम पूरे 5 दिन से यहीं थे, तुम पॉइंट जो तुम्हारे पॉइंट सभी थे इसी में सब खर्च हो गए, और मैं तुम क्यूरियस हूँ जो तुमने लास्ट अटैक किया था अपने ब्लेड से उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। फिर हमारा हीरो कहता है कि वो तो कुछ भी नहीं था, वो एक अचानक हुआ था जो मुझे अनकॉन्शियस होने से पहले। फिर हमारा हीरो सोचता है कि मैं इसे कुछ बता नहीं सकता अपने ड्यूरल स्लॉट के बारे में, ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उन्होंने कहती है कि तुम कितने झूठे हो, अगर तुम हमारे रिलेशनशिप को कॉपरेट नहीं करोगे तो मैं तुम पर विश्वास कैसे करूँगी। फिर हमारा हीरो कहता है कि चलो ठीक है तुमने ये मेंशन कर दिया है तो तुम मेरे माइंड में आ सकती हो, और फिर क्योंकि मैं भी एक हंटर हूँ जो नए होने पर नए न्यू हूँ जिसे मुझे हंट किया जा सकता है। ये सुनकर हीना शॉक जाती है, पूछते हैं कि यार तुम भी एक हंटर हो, फिर कहती है कि तुम मुझे दिखाओ हरी अप, ये कहकर वो उसका गेम एंट्रेंस को खोल लेती है। फिर दिखाया जाता है कि एक सिटी मैप को दिखाई देता है जो इन्हों हीरो पूछता है कि यही गेम मैप है क्या, मैं सही तो फिर हीरो पूछते हैं क्या तुमने इसे टर्न ऑफ नहीं किया। फिर हमारा हीरो पूछता है कि इसी की वजह से तो मैं पॉइंट को और डंजन को एंट्रेंस को खोजता था जिससे कि मैं पॉइंट कुछ कमा पाऊँ। फिर हीरो कहती है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, क्या तुम मरना चाहते हो, ये जो फंक्शन है ये दिखा सारे पॉइंट को तो दिखाता है और ये मैप में प्लेयर को भी डिटेक्ट करता है। फिर हमारा हीरो पूछता है क्या इसका मतलब क्या, मैं इसको समझा नहीं। फिर हमारे वो कहती है कि ये जो जो प्लेयर उसको रेंज को बताता है कि नए 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 जो प्लेयर है वो कहाँ पे हैं, जिसके वजह से जो प्लेयर होते हैं उसको खोज कर अपने रेंज स्पेसिफाई करते हैं और एक प्लेयर को एक पीरियड में मारने के लिए आते हैं जो अदर प्लेयर होते हैं और हमें भी नोटिस भी कर लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक प्लेयर को दिखाई देता है जो कहता है कि बहुत से नए प्लेयर है जो हमारे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं और हमें उन्हें खोजने के लिए बहुत से काम करने पड़ेंगे। फिर जिसका मेंबर ऑफ ब्लडी मून होता है, ब्लडी मून का के मेंबर में से होता है और कहता है कि मेरे इंतज़ार करो न्यू नए मेंबर। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, फिर वो कहती है कि ब्रदर तुम श्योर हो कि वो लोग यही होंगे, फिर वो लड़का कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं अपने कौन से डायरेक्शन पता करता हूँ। फिर वो लड़की कहती है कि ब्रदर क्या तुम देख रहे हो कितना समय हो गया उन्हें खोजते हुए। फिर हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम क्विन फैंग होता है जिसका टाइटल होता है सब्स्टिट्यूट कॉइंस, जो कॉइन होता है ये एक तरह से डायरेक्शन को बताता है। फिर उस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम क्विन वो होता है जिसका टाइटल फ्लोरिंग ब्लेड होता है या शैडो डांस होता है, इन दोनों का लेवल 5 होता है, दोनों का लेवल ही 5 ही होता है। फिर वो लड़की कहती है ठीक है ब्रदर हम ट्राई इसी तरह ट्राई करेंगे। फिर हमें कहीं खून दिखाई देता है, फिर हमें बताता है कि ये हंट ख़त्म हो गया। फिर हमें मून ब्लड के गैंग वालों को दिखाया जाता है और बोलता है कि जो नए प्लेयर उनको मारने में जितना मज़ा आता है उतना डंजन के मोस्टों को मारने में मज़ा नहीं आता है, ये चलो खोजते हैं हम और नए नए प्लेयर को और उनको हंट करते हैं ये कितना मज़ा देगा। ये एक ब्लडी मून्स का लीडर होता है जिसका नाम बस इतना है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। धन्यवाद।